हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक सेकेंड वीडियो करने वाले हैं वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक का। सो आज हम ये वाला लुक क्रिएट करने वाले हैं, रेड आइज, जो कि मेरे ड्रेस से मैचिंग है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज वेडिंग सीजन इज ऑन। सो अभी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। फर्स्ट मैं अपना फेस मॉइस्चराइज करूँगी एंड आज मैं निविया मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी। दिस इज़ वेरी गुड फॉर विंटर्स। मैं इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैं ब्लू हेवन का प्राइमर यूज़ करूँगी एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। सबसे पहले मैं इसे अपने फिंगर्स के बीच में वॉर्म करूँगी एंड देन इसे फेस पे अप्लाई करूँगी। देन फाउंडेशन के लिए मैं आज मुआ का स्किन डिफाइन फाउंडेशन यूज़ करूँगी। दिस इज़ वेरी हाई कवरेज। इसे मैं अपने फेस पे अच्छी तरीके से डॉट करूँगी। ये प्रोडक्ट काफ़ी कम लगता है, थिक है बट ईजिली ब्लेंड भी होता है। देन मैं एक बफिंग ब्रश के साथ इसे ब्लेंड करूँगी। ये ईजिली ब्यूटी ब्लेंडर, बफिंग ब्रश किसी के साथ भी ब्लेंड हो जाता है। सो आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं। देन कंसीलर के लिए मैं ब्लू हेवन पेन स्टिक यूज़ करूँगी। इसे अपने अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ नोज एंड जहाँ जहाँ भी मुझे ऐसे लगता है कंसील करना वहाँ पे अप्लाई करूँगी। देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी बिकॉज ब्रश अंडर आई एरिया में यूज़ करना थोड़ा हार्ड है। देन मैं अपने फेस को सेट करने के लिए फेसेस का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। दिस इज़ अ वेरी डिसेंट कॉम्पैक्ट। देन ADS आई शेडो पैलेट में से मैं ये दोनों कलर मिक्स करके अपने क्रीज में अप्लाई करूँगी एक ब्रश के हेल्प से। देन मैं ये डार्क वाला शेड लेके भी अपने क्रीज को थोड़ा सा डिफाइन करूँगी। देन मैं ये रेड शेड लूँगी जो मेरे ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग है एंड इसे अपने पूरे आईलिड पे अप्लाई करूँगी। देन एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लेके सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस ना रहे। देन मैं यांकिना का लाइनर लूँगी एंड एक सिंपल लाइनर ड्रॉ करूँगी। अपने लाइनर को एक्सटेंड करके मैं एक विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। देन आज काजल के लिए मैं लैक्मे आइकॉनिक काजल अपने लोअर लैश वाटर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। देन मैं ये सेम पैलेट से ये डार्क कलर एक स्मॉल ब्रश में लेके अपनी लोअर वाटर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी एंड थोड़ा सा स्मज करूँगी। उसके बाद ये मैं MN की आईब्रो पेंसिल यूज़ करके अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। देन उसके साथ जो ब्रश आता है उसके साथ कॉम करूँगी। दिस स्टेप इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। देन मैं ये मेबलिन का मास्टर कॉन्टोर किट लेके ये कॉन्टोरिंग शेड अप्लाई करूँगी अपने हॉलोज ऑफ चीक्स पे। मैं इसे अपने नोज को कॉन्टर करने के लिए भी अप्लाई करूँगी। देन मैं इसे अपने फोरहेड एंड अपने जॉ लाइन को भी कॉन्टोर करने के लिए यूज़ करूँगी। देन मैं एक अच्छा सा ब्रश लेके सारी चीज़ों को ब्लेंड करूँगी। नोज पे ब्लेंड करने के लिए मैं अपने फिंगर्स ही यूज़ करूँगी। देन इसमें से ब्लश लेकर अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी। देन सेम पैलेट में से हाइलाइटर भी अप्लाई करूँगी, फर्स्ट अपने ब्रिज ऑफ नोज पे, देन दोनों आईब्रोज के बीच में। हाइलाइटिंग इज रियली इम्पॉर्टेंट स्टेप। अपने ब्राउ बोन में भी मैं हाईलाइट करूँगी, क्यूपिड्स बो एंड चिन। देन एक छोटे से ब्रश में लेके मैं अपने आईज के इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करूँगी।
देन हमारा लास्ट स्टेप है लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक के लिए मैं L18 कलर पॉप लिपस्टिक यूज़ करूँगी इन द शेड 27। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेड शेड है मेरे ड्रेस से मैचिंग। सो ये हमारा फाइनल लुक जो कि बहुत ही इजी था एंड सारे प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक बटन को हिट करके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।